अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। तो आज मेरे और मेरे बच्चों का दिल चाह रहा था कि हम हॉट एंड सावर सूप पिएं, तो मैंने सोचा कि हम सूप तो बनाने जा रहे हैं तो मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करता चलूं। तो आज वैसे भी सर्दी बहुत ज़्यादा है तो सूप पीने का बहुत दिल चाह रहा था, तो आएँ हम आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं और किचन में चल के सूप बना। तो व्यूवर्स, हम हार्ड एंड सावर सूप तैयार करने लगे हैं। उसके लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो मैं आपको दिखा दूं कि ये हमारी वेजिटेबल है जो हमने ब्रीक और स्मॉल साइज में काटी हुई है। ये बंद गोभी है, ये गाजर है, और ये है हाफ कप चिकन जो बिल्कुल स्मॉल क्यूब्स में काटा हुआ है। ये नमक है जो हसबे जैका हम डालेंगे। ये बीट किया हुआ अंडा है जो हम बाद में उसमें डालेंगे। ये कॉर्नफ्लोर है जो गाढ़ा करने के लिए हमने एक कप निकाल के रखा हुआ है। ये काली मिर्च है जो हम हसबे जैका उसमें डालेंगे। ये सोया सॉस है, ये सिरका है। तो आएँ व्यूअर्स, हम जो है ना वो हॉट एंड सावर सूप शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं कि यखनी तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको यखनी का बता दूँ कि मैंने यखनी कैसे तैयार की है। तो इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया था, वो डाला है, और बंद गोभी के 3-4 लीफ डाले हैं, कैरेट का छोटा सा टुकड़ा, जिंजर का छोटा सा टुकड़ा, गार्लिक का एक क्लोव इसमें डाला था, और साथ में काली मिर्च 3-4, और लौंग जो है वो 2-3 इसमें डाले, और इसको 20 से 25 मिनट तक पकने दिया। जब ये अपनी शक्ल में यखनी आ गई तो मैंने इसको स्ट्रेन करके अलहदा से निकाल लिया। तो ये आपके सामने देखें कि यखनी जो है तैयार है। अब मैं इसमें जा रहा हूँ सॉल्ट, यह हम हाफ टी स्पून। अब हम डालते हैं ब्लैक पेपर, ये भी हाफ टी स्पून इसमें जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अक्सर लोग आपने देखा होगा सूप बनाते हैं या सूप बनाया भी होगा आपने, कि आप चिकन जो है वो क्यूब्स काट के डायरेक्ट ही उसमें डाल देते हैं, लेकिन हम इसको चिकन को पहले सौते करेंगे। थोड़ा सा इसमें हम फ्राई पैन में ऑयल डालेंगे। बस ये जो हमने चिकन दिखाया था आपके सामने काट के रखा हुआ था, ये चिकन जो है हम इसमें सौते करेंगे। सौते करने के बाद हम इस यखनी में चिकन को डालेंगे। तो चिकन को इसमें डालते हैं, ठीक है। अब हम इसको सौते करेंगे थोड़ा सा इसमें, और इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे हम सोया सॉस, ताकि जो चिकन की अपनी हींग है वो ख़त्म हो जाए। रेडी है तो हम इसको अब चिकन में डाल देते हैं। अब इसको हम थोड़ी देर उबाला आने तक छोड़ेंगे ताकि इसमें उबाला आ जाए। व्यूअर्स, ये देखें अब यखनी में उबाला आ चुका है, और ये पका लेंगे वेजिटेबल इसमें। हम थोड़ा सा पकने देंगे ताकि वेजिटेबल में भी जो अपना पानी होता है वो पानी इसमें यखनी में छोड़ दे, और थोड़ी सी वेजिटेबल जो है वो गल भी जाए। इसमें हम व्यूअर्स 1 टीस्पून जो है वो सोया सॉस ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए इसका कलर चेंज हो गया यखनी का, और इसका एक लोमा भी आ जाएगा। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच विनेगर डालेंगे। ये खाने का चम्मच इसमें विनेगर हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे और विक्स के साथ इसको बीट करते जाएंगे। बाकी का कॉर्नफ्लोर में इसमें ऐड कर देंगे। व्यूअर्स,
ये देखें कितना खूबसूरत और डिलीशियस सूप जो है तैयार हो चुका है। अब हम इसमें एंड पे ऐड करेंगे एग को, जो हमने अंडा बीट किया हुआ था वो हम अब इसमें ऐड करने जा रहे हैं। ये आपने आस्ते आस्ते इसको डाल देना, डालने के बाद इसको आप थोड़ा सा ऐसे चम्मच के साथ बीट कर लें, थोड़ा सा खूबसूरत और मज़ेदार लजीज। ये देखें ये चिकन भी खिल के आ गया सामने, सब्जी भी अलग अलग नज़र आ रही है। व्यूअर्स ये लें, ये हो गया सूप तैयार। अब हम इसको पीने के लिए तैयार हैं। ये देखिए कितना मज़ेदार डिलीशियस सूप आपके सामने है। मैं इसका एक सिप लेता हूँ आपके सामने। वाह ज़बरदस्त, बिल्कुल हर चीज़ जो है ना व्यूअर्स इक्वल है बिल्कुल। अगर आपने इसको ज़्यादा मज़ीद टेस्ट को बढ़ाना है, ये आपके सामने तीन कॉडिमम पड़े हुए हैं, ये सोया सॉस है, ये चिली सॉस है रेड चिली सॉस, और ये ग्रीन चिली विद विनीगर है। तो इसको आप मज़ीद टेस्ट करना चाहें तो ये आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना भी मत भूलिएगा और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।